एवरीवन, जब भी बात आती है वेट लॉस की, तब भी हम सोचते हैं कि हमें खाना पड़ेगा ऐसे सब खाने जो एकदम ही टेस्टी नहीं होंगे, वो हमारे गले से उतरेगा ही नहीं और बहुत ही इस टाइप का फेस बना के हमें उसे खाना होगा। लेकिन नहीं, वेट लॉस के दौरान भी आप बहुत ही टेस्टी खाना खा सकते हो। तो इसी का आज मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही टेस्टी ऑमलेट की रेसिपी, बहुत ही सिंपल है, जिसको आप एज ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। और इसमें बहुत ही सारी ऐसी इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करूंगी जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होता है, और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा लेकिन हेल्दी भी होगा। तो चलिए इस रेसिपी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है प्याज और गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ है, तो ये सारे मिक्स हो गए हैं। छोटा सा एक साइज़ का प्याज है, गार्लिक है और ग्रीन चिली है। एक है एग और यहाँ पर है बहुत ही कम नमक, आप देख सकते हैं एक पिंच के जैसा। और यहाँ पर बहुत ही कम क्वांटिटी में यहाँ पर है ओरिगैनो और चिकन मसाला। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा सूजी, आप देख सकते हैं 2 स्पून के जैसा है। आप चाहे तो 3 स्पून भी ले सकते हैं, छोटी सी स्पून की, आपको ऐसी साइज की स्पून की 2 या 3 स्पून आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। और अब हम इन सारी चीज़ों को कर लेंगे मिक्स। वन मिनट तक अलग से रख देना है। फ्राइंग पैन ले लिया है मैंने और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लेंगे ऐसे। आप चाहे तो यहाँ पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। और देखिए आप, बहुत ही कम क्वांटिटी में ऑयल है यहाँ पर, जस्ट ब्रश करने के लिए जितना लगता है उतना है। देखिए 2 मिनट हो गया, ऑलमोस्ट 1 to 2 मिनट्स हो गया है और हमारी बैटर जो है वो एब्जॉर्ब कर चुकी है। और इसे अब हम पोर कर देंगे हमारे फ्राइंग पैन पर। इसे आप थोड़ा सा स्प्रेड कर सकते हैं एक राउंड शेप देने के लिए। इसे हमने स्प्रेड कर लिया और इसे 2-3 मिनट लगेगा कुक होने में। की स्मेल ना इतनी अच्छी आ रही है, आप अगर नहीं खुद बनाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हैं ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है एक साइड से, और दूसरे साइड से भी हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो ये हो चुकी है, बोथ साइड से कुक हो गई है, देख सकते हैं आप। और अभी हम इसे पोर कर लेंगे। इसे और भी थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए मैं ऐड करूंगी इसमें थोड़ा सा चीज़, जैसे कि आप देख सकते हैं जस्ट थोड़ा सा मैंने लिया है। और चीज़ में गुड फैट होती है, तो अगर आप इसे खाते हैं तो आप बेझिझक खा सकते हैं, आपको कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारी स्पेशल चीज़ी ऑमलेट ब्रेकफास्ट के लिए रेडी है, आप इसे खा सकते हैं। तो मैं आपको ये ट्राई करके बताती हूँ, बहुत ही ज्यादा टेस्टी ये बना है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप इसमें चीज देते हैं तो ये बहुत ही और भी ज्यादा टेस्टी हो जाता है। सॉस देना इसमें अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि सॉस में जनरली बहुत सारी एडेड शुगर और प्रिजर्वेटिव्स होती है। मुझे पता है कि कमेंट में बहुत सारे लोग पूछने वाले हैं कि सॉस दे सकते हैं या नहीं, तो इसीलिए मैंने पहले से ही बता दिया कि सॉस आप अवॉइड कर सकते हैं। चाहे तो आप चिली फ्लेक्स भी डाल के इसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब खा सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, ये टेस्टी है, और आप देख सकते हैं कैसे बस 2 मिनट में बन जाती है। तो आप इसे अपने ब्रेकफास्ट पे, अपने वेट लॉस जर्नी में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, और आप देखिएगा कि आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाएंगे अपनी वेट लॉस में। और ये काफ़ी होल फुलफिलिंग भी है, आप चाहे तो एक एग के जगह यहाँ पर 2 एग भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए कुछ ऐसी
रेसिपीज लाने की जो इजी है, आप इजीली से ट्राई कर सकते हैं। और मैं बहुत जल्द अपनी वेट लॉस जर्नी भी फिर से शुरू करने वाली हूँ आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी, तो वो भी मैं आपके साथ अपलोड करूंगी, तो स्टे ट्यून। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो जरूर सब्सक्राइब करके उस नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर लीजिए ताकि आप अपकमिंग कोई भी वीडियो को मिस ना करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।